आई यही ना आई अभी कुछ नहीं बैठे हैं तो सीधे मुंह करके पल्लम को बांट दो इतना वो नाम है जैसे बता दिया उसका दोस्त आज रामन है रामन आज नौमी रामन ये की है वो क्या कल 11 बजे तक अरे यार तुम लोग पैसा कम कर रहे हैं कह रहे हैं बीस को नोट कह रहे हैं टूटे पैसे की दिक्कत है तो और होगा तब यार दे रहा हूं कोई रहता ना होगा पूछ ले रहता ना होगा कोई रहता ना होगा तुम में तो कोई सब मिल गए आशीर्वाद दे दो बात बता दी वो जानतना है जानतना वो छोटी है वो तो सर माता है को छोटे छोटे बेचारे क्या करे ये तेज बनाई बड़ी वारी जी बहुत सीधी है चलो खेलो इनके छूले लांगुरा के है पे छुओ लांगुरा के सम्मान सब दे ऊपर आशीर्वाद ले उन पे तो दे दे सिर पे हाथ दे दे शर्म आते वाला चलो भाई जय माता की तुम्हारी वीडियो आ गई अब ठीक है YouTube पे देखूं अपन अपन खाना उठा लो अपन अपने प्लेट उठा लो जीभ गा की घट दिया जाके तू ये छोटी है जितनी छोटी है ना ये फ्रांसी जीभ गा की दुबा दे चलो 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 भाई जी 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 गिरा देगी ए यार क्या कहते पकड़ ले हाँ हाँ अब सही है मैं को आगे करा दो बस अब सही समार के नहीं करिए चौखट हाँ चौखट ऐसी फिर लग जाए जब तुम तो लगाव जा रहा है जाओ है ना विशेष करेगा जब तुम ना जा रही तो जाना जाएगी नहीं जब तक मैं अटल नहीं था हाँ वो तो कोई ना गायब करे हो कौन जे ना पैर गई ना जे ने तो नई डाल के लाई गाना उन्होंने में अच्छा आ चलना है ये ना पैर गई मैंने आ नहीं मैंने चप्पल गायब है ये कौन सा चप्पल गायब करने वाला है वो अब से खाएंगे रोटी अब बाबा निकले सीखेंगे रोटी जहाँ जी का है गमला मोल को है वैसा है मोल को जी से कौन सा ये जी का है काय में ये तो कार्टून सो है बम मट्टी भर के बनाया था हाँ जो तुमने बना रहा ये सही है वाड़ी लगा दी नाम तो लेकर आई थी छोटी सी तुलसा जी अब उन सेवा फेवा कर ली सुख पड़ी है माँ तो बिल्कुल ना जी हाँ माँ ना जी बड़ी परेशान मतलब तुलसा जी लगा कर जीत ना है मतलब हाँ जीती ना मट्टी मट्टी की बात कर जा पता हो ना इन कैसी मट्टी है मट्टी से गेहूँ तो बड़ी लगी यहाँ देख तो प्लॉट पे जाल खाली जगह में ऐसी वो थाली में गला बीच मैं थोड़ा खुशकी लो सही लाख ना मैं घर जाता ना मुझे इतनी प्यास से जाता है तो गाइस कन्या हमने खवा दी है अभी हम आए मंदिर पे जो हमने पूजा की थी नौमी की तो जो अग्यारी वगैरह होती है उसको हम यहाँ पे सराहने के लिए आए और यहाँ पे हो रहा है भंडारा तो हम पूजा कर रहे हैं आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए पहले हम थोड़ा घंटा वगैरह बजा लेते हैं मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं गाइस आप देख सकते हो हमारे यहाँ ससुराल का भोले बाबा का मंदिर है ये और सभी भगवान जी इसमें विराजमान है और यहाँ पे भंडारा हो रहा है और मैं मेरे हस्बैंड जी जल चढ़ा रहे हैं हम दोनों मिलकर आप देख सकते हो सामने कढ़ाई चल रही है पूड़ियाँ तली जा रही हैं
तो हम जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं और आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं।